Hey guys, हमारे स्मार्टफोन में बहुत सारे यूजफुल फीचर्स होते हैं, बहुत सारे सिंपल फीचर हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं और एग्जैक्टली जहाँ पे हमें इन फीचर्स को यूज़ करना चाहिए हम स्किप कर देते हैं, यूज़ नहीं करते। आज मैं ऐसा ही एक फीचर के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। गाइज, मैं अपने वीडियोज़ जो है स्मार्टफोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ। पोको F1 यूज़ करता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी M30s यूज़ करता हूँ। इन दोनों फ़ोन्स में वॉइस जो है ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होती है, नॉइज़ बहुत कम आता है बैकग्राउंड का, तो दोनों से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और जो ऐप यूज़ करता हूँ वो है ओपन कैमरा, इनकेस फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो गाइस, वीडियो सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे गियर का आइकन है, इस पर टैप करने के बाद वीडियो सेटिंग्स में ऑडियो सोर्स, मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ करता हूँ तो ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग करते टाइम पे मैं जो भी मेरा सब्जेक्ट है उस पर टैप कर देता हूँ फोकस के लिए, और उसके बाद लॉक कर देता हूँ फोकस को, ओके, एंड साथ में एक्सपोजर को भी। भाई, जब मुद्दे पे वापस आता हूँ, जब भी मैं कोई मूवी देखता हूँ या फिर वीडियो यूट्यूब पे या फिर रिकॉर्डिंग करता हूँ या गेम खेलता हूँ, तो उस वक्त स्पेशली टेलीग्राम, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स को मैंने ज्वाइन कर रखा है, टिंग 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 करके मैसेजेस आते रहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है उस सिचुएशन में। इसी तरह के सिचुएशन के लिए ये जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ यूज़फुल है। तो गाइस, ये जो फीचर है ना, ये आपको एंड्रॉयड 9 बेस्ड फ़ोन में देखने को मिल सकता है, लेकिन सारे स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, रेडमी K20 है जिसमें मैंने कस्टम रोम इंस्टॉल कर रखा है, और ये है नोट 7 और ये है नोट 7 प्रो। तो गाइस, आप सबको पता होगा इस फीचर के बारे में, डिजिटल वेल बींग, जो आपको एंड्रॉयड 9 बेस्ड रोम में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे स्मार्टफोन में ये फीचर अब अवेलेबल हो चुका है, एंड डिजिटल वेल बींग के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा फोकस मोड, ओके। तो गाइस, फोकस मोड एग्जैक्टली क्या है, मैंने आपको बताया टेलीग्राम व्हाट्सएप से बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ या फिर मूवी देखता हूँ या फिर गेम खेलता हूँ। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है मैं क्या करता हूँ, ऐप्स ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, टर्न ऑन कर देता हूँ फोकस मोड। तो ये मेरे डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं गेम खेलते टाइम पे, वीडियो देखते टाइम पे। आइकन आपको सारा ग्रे लग रहा है, ओके, नीचे आपको कलरफुल आइकन्स दिख रहे हैं लेकिन वो चारों सिलेक्टेड ऐप्स जो है वो ग्रे हो चुका है, ओके। तो गाइस, अब इन ऐप से आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई भी मैसेजेस नहीं आएगा, बिंदास गेम खेल सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, मूवी देख सकते हो। अगर आप चाहो तो 5 मिनट के लिए टेक अ ब्रेक ले सकते हो, 15 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए। तो गाइस, जैसे ही आपने टेक अ ब्रेक लिया आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएगा, जो भी मैसेजेस पेंडिंग है वो पेंडिंग मैसेजेस आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपको मैसेजेस दिख जाए, आपको लगे हाँ यार मेरा मैसेज, जो मुझे इंपॉर्टेंट मैसेज देखना था वो देख चुका हूँ, आप फिर से इसे रिज्यूम कर देना। गाइस, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए तो सच में बहुत ही यूजफुल एंड प्रैक्टिकल फीचर है। तो अगर आप भी ऐसे सिचुएशन से परेशान हो तो आप भी ये फीचर यूज़ कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसे वीडियोज़ फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।